हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली डोज बॉक्स। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के इस एपिसोड में। दोस्तों, आजकल हर युवा का सपना है कि वो सेना में भर्ती हो और देश की सेवा करे। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, परमवीर चक्र के बारे में, कब शुरू हुआ और उसमें क्या क्या होता है, वो जिसको मिलता है उसको क्या क्या फायदे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए लाल वाला बटन दबा के, और घंटे के आइकन को जरूर ऑल पे लगा लेना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फटाक से पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, परमवीर चक्र यानी कि PVC कब शुरू हुआ था? दोस्तों, परमवीर चक्र शुरू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। दर्शकों, जो सैनिक हमारे आर्मी में होते हैं या एयरफोर्स में होते हैं और किसी भी युद्ध क्षेत्र में जो है ना दुश्मनों के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय देते हैं, वीरता दिखाते हैं या फिर प्राण बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। अब बात करते हैं परमवीर चक्र में दिए जाने वाले मेडल की। दोस्तों, यह मेडल जो है वो कांस्य का बना होता है, यानी कि यह ब्रॉन्ज मेडल होता है जिसका व्यास यानी कि डायमीटर होता है 1.38 इंचेस, यानी कि 1.38 इंचेस इसका डायमीटर होता है। इस पदक में अशोक की लाट बनी होती है और इंद्र का जो वज्र होता है उसके चार निशान बने होते हैं, और पदक के पीछे हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में दोनों में परमवीर चक्र लिखा होता है और कमल का फूल भी बना होता है। दोस्तों, यह हमेशा बैंगनी रंग के सादे फीते में डाल के दिया जाता है। दोस्तों, अब हमें बात करनी है इस पदक को प्राप्त करने वाले यानी कि परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले जो सैनिक होते हैं उनको सुविधाएँ क्या क्या मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिकित्सकीय सुविधा के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको जो है ना उन सैनिकों को जिनको परमवीर चक्र मिलता है उन सैनिकों को मुफ्त इलाज कहीं भी वो करवा सकते हैं, और उनके परिवार को 75 से 90% जो इलाज का जो है वित्तीय सहायता केंद्रीय सैन्य बोर्ड प्रदान करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा में रियायत के बारे में। दोस्तों, इन सैनिकों को जिनको परमवीर चक्र मिलता है वो जो है ना रेलवे में किसी भी मेल या एक्सप्रेस में जाएंगे तो सेकेंड टीयर AC का फ्री टिकट होता है, और अगर राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं तो थर्ड टीयर AC का फ्री टिकट यानी कि मुफ्त यात्रा के लिए दिया जाता है, और परमवीर चक्र विजेता अगर हवाई जहाज से सफ़र करता है तो उसको 75% किराए में रियायत दी जाती है। दोस्तों, इन लोगों को पेट्रोल पम्प, इन सभी के लाइसेंस आराम से आसानी से दिए जाते हैं, पेट्रोल पंप भी इन लोगों को दिए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बचत के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं में इनको अहम हिस्सेदारी भी दी जाती है। दोस्तों, पेंशन के बारे में अगर बात करेंगे हम तो इनको पेंशन में 10,000 रुपये अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है जो परमवीर चक्र विजेता होता है। अब दोस्तों बात करते हैं पुनः नियोजन के बारे में। जो सैनिक परमवीर चक्र विजेता होते हैं उनका पुनः नियोजन किया जाता है अगर किसी सरकारी नौकरी में दोबारा, तो इनको काफ़ी छूट भी मिलती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के फायदे, उनको क्या क्या होते हैं और पदक में क्या क्या होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलती रहती है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।